हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात कोरोना काल में संक्रमण रहित फूड डिलीवरी करने वाले देश के मशहूर होटल कारोबारी अंजन चटर्जी की करते हैं। जी हाँ, होटल कारोबारी अंजन चटर्जी ने संकट के इस काल में शुद्ध खाने की सप्लाई का देश को नया मॉडल दिया है। जी हाँ, और अंजन चटर्जी हमारे साथ लाइव भी होने वाले हैं, लाइव जुड़ भी चुके हैं, लेकिन पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि संक्रमण काल में रेस्टोरेंट का ये ग्रुप कैसे सुरक्षा और शुद्धता का पूरा ख्याल रख रहा है। ये अंजन चटर्जी हैं, देश के जाने माने होटल व्यापारी हैं। इनका स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिमिटेड नाम का ग्रुप है। देश भर में इनके 27 शहरों में 120 आउटलेट हैं। इन आउटलेट्स के नाम हैं मेनलैंड चाइना, ओह कैलकटा, कैफे मेजुना, सिगरी ग्लोबल ग्रिल, हैप्पी पोला और स्वीट बंगाल। संकट के इस काल में देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है अच्छा और सेहतमंद खाना। ऐसे में स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिमिटेड ने लोगों के घर तक सेहतमंद खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए रेस्टोरेंट में थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क की व्यवस्था करवाई गई है। डिलीवरी बॉय से लेकर शेफ तक सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। खाना बनाने से लेकर खाने की डिलीवरी तक खाने की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। थर्मो स्कैनिंग करके टेम्परेचर ले रहे हैं और यहाँ तक कि टेम्परेचर जो इनका है फूड हैंडलर्स का, डिलीवरी बॉयज का, ड्राइवर का, वो हम अपने जो डिलीवरी बैग है जो जा रहे हैं, पार्सल्स जो जा रहे हैं, उस पे हम लोग टैग करते हैं। अंजन चटर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत, नमस्ते भारत। अंजन जी, दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने 72 घरों में कोरोना बांटने की कोशिश की थी, 72 घरों को क्वारंटाइन करना पड़ गया था। कितना बड़ा चैलेंज अंजन जी आपको लगता है कि इस दौर में आपकी जैसी फर्म्स देख रही हैं, जब शुद्धता का भी ख्याल रखना है, गर्म खाना भी देखना है और सबसे इंपॉर्टेंट हाइजीनिक। देखिए, आप जब जैसा आप इससे पहले मैं सुन रहा था कि अभी ये जो हेल्थ और हाइजीन का जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत बढ़ चुका है हिंदुस्तान में। हेल्थ और हाइजीन रेस्टोरेंट्स में ओवरऑल, नो ऑफेंस मेंट, कम होता, मैंने हिस्टोरिकली कम रहा है। जैसे हम रेडी वाले के पास खाना खाते हैं या फिर छोटे रेस्टोरेंट्स में भी खाना खाते हैं स्वाद के लिए, लेकिन आज इन हालात में जहाँ पे सेहत यानी कि हाइजीन हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंस रख रहा है बीमारी के वक्त, कोरोना वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड हो गया है, तो ये लोगों को इस बात का डर है कि किसी भी जगह से हम अगर खाना मंगाए तो हम सेफ हैं क्या, बाहर से खाना आ रहा है क्या, हम सेफ हैं। तो इसलिए हम 25 से 26 साल तक इस बिजनेस में रहे हैं और हमने हमारे किचन्स को, हमारे पूरे एनवायरनमेंट को अपनी तरफ से जितना हाइजीनिक और हेल्थ का इम्पोर्टेंस देते हुए आगे रखा है। और मैं चाहूंगा कि दूसरे रेस्टोरेंट टीयर्स भी इस बात को समझे और ये समझे कि हम लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। जो दिल्ली में हुआ वो बहुत ही बुरा है। आई थिंक दैट जिस तरह से लोगों को पहुंचाया गया इन द टाइम ऑफ क्वारंटाइन एंड द सोशल डिस्टेंसिंग, मुझे लगता है सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सब रेस्टोरेंटियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम को करना पड़ेगा और आगे यही न्यू नॉर्मल हो जाएगा। जी अंजन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए इस दौरान सबके मन में क्यूरियोसिटी एक ये है कि लॉकडाउन है तो बहुत सारे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घरों में है, बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता इसलिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम पर वो निर्भर कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए ये तो दिखाया कि थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा क्या प्रशासन इस बात को इंश्योर कर रहा है कि जो जो आउटलेट्स ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं फूड की, वो कुछ खास तरह के मापदंड है उनको लेकर चले कि ये उनको फॉलो करने ही करने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग साइलेंट कैरियर्स के तौर पर भी इन्फेक्टेड है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। जी देखिए, इस वक्त ओवरऑल जो एफएसएसआई की जो बॉडी है, फूड सेफ्टी की बॉडी है, ज्यादातर डिलीवरी जो खाना आता है उसमें आज डिलीवरी जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने ये प्रीरिक्विजिट कर दिया है कि बिना एफएसएसआई के, सर्टिफिकेशन के बिना कोई भी खाना भेज नहीं सकता। हालांकि इसको कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन हालातों में इस वक्त, बिकॉज इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, ये कुछ आज नॉर्मल कुछ नहीं है, तो इस वक्त में मैं इसीलिए कहूंगा कि व्हाइल द एफएसएसआई बॉडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, बट रेस्टोरेंटियर्स को खुद
ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि रेस्टोरेंटियर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे हमने अपने स्टेप्स को लिया है। मुझे लगता है कि बीइंग नंबर वन कंपनी, वी शुड बी एबल टू सेट स्टैंडर्ड्स। और हमें, जैसे हमने टेम्परेचर टैग किया है हमारे डिलीवरी बैग में, मुझे इस बात को जानते हुए खुशी है, कहते हुए खुशी है कि कई रेस्टोरेंटियर्स इसको फॉलो कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस। और आने वाले टाइम में रेडी वाले का खाना, और अभी लोगों ने ब्रांड का बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि कहाँ से हम खाना मंगा रहे हैं, कोई उनकी एजिंग है कि नहीं, कोई ब्रांड का रिस्पेक्ट है कि नहीं, और जो पैरामीटर्स है, मापदंड है, वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जी अंजन चटर्जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पैरामीटर्स का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये पैरामीटर्स लोकल नगर निगम, नगर पालिका और FSSI मिलकर बनाती है, लेकिन ये कॉकस है रेस्टोरेंट मालिक और स्थानीय नगर निगम के प्रशासकों का कि उन नॉर्म्स की वो कभी भी परवाह नहीं करते हैं, और ये घालमेल जो है वो अनहाइजेनिक फूड को जन्म देता है। आप किस तरह से इन नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं? जी देखिए, हमारे यहाँ पे हम FSSI के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करते हैं, हम अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में रैंडम सैंपल्स करते हैं। उससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, जर्म्स एंड बैक्टीरिया फ्री खाना। अब इन हालातों में तो सोशल डिस्टेंसिंग और टेम्परेचर लेना इंपॉर्टेंट हुआ है, हमने ये लॉकडाउन के बाद शुरू किया, लेकिन बहुत पहले से हमने अपने अंदर, अगर आप हमारे किचन में आके देखें, हमारा वर्ल्ड क्लास किचन है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में भी लंदन में, US में रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे भी हम काफी सीखे हैं। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे जो शेफ्स हैं, जो 5-star से आए हुए हैं, वो इस बात के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत शुक्रिया अंजन चैटर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश में शुद्ध खाना लोगों तक पहुंचे गरम, और इसके साथ साथ पूरा हाइजीन का भी ध्यान रखा जाए, इसका एक मॉडल देश को आपने दिया है, और उम्मीद हम करते हैं कि ये मॉडल आगे भी चले और लोगों की आदत बन जाए कि वो कहां से खाना मंगा रहे हैं, इसका वो ख्याल रखें।